मंडी संसदीय क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार दिलीप कायत ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुने हुए सांसदों के मुंह पर ताला लगा रखा था, केवल मात्र दो चार लोग ही संसद में बोलने का अधिकार प्राप्त किए हुए थे। ऐसे में जनता का चुना हुआ सांसद सरकार में अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से नहीं निभा पाया। वहीं पंडित सुखराम और आश्रय शर्मा के कांग्रेस में जाने के प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये अपने आप में राजनीति का मजाक बना दिया गया है। कुछ लोग उनकी सारी पीढ़ियों को पेंशन लगवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ परिवार राजनीति को अपनी जागीर समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि दादा के अरमान पूरे करने के लिए दल बदले जा रहे हैं, ऐसे में गरीब जनता के अरमान कौन पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला की पार्वती परियोजना से देश के दूसरे हिस्सों को बिजली मिल रही है, मगर सैंज क्षेत्र की पंचायतों को आजादी के 71 वर्ष बाद भी कई जगह सड़कें और पानी की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। किसानों को फोर लेन में भूमि अधिग्रहण के बदले 4 गुना मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों की हालत खस्ता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर व अन्य कर्मचारी नहीं है। अकेले क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में डॉक्टरों के 25 पद रिक्त पड़े हैं, जबकि आनी तहसील के निर्मंड ब्लॉक में एक भी फार्मिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर व किन्नौर की पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में संचार सेवाएं बिल्कुल ठप हैं। एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां की सड़कें ठीक है। बहुत बुरे हालात है, रोज जाम लग रहे हैं, एक एक फुट के खड्डे पड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ आप बिजली जो हमारी राज्य बोलती है कि पूरे प्रदेश में हम सबको हमने बिजली पहुंचा दिया, लेकिन 100% बिजली यहाँ पे है। लेकिन मैं दुर्भाग्य के साथ कहना जा रहा हूँ कि पार्वती प्रोजेक्ट जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो बना है 2150 मेगावाट का, जो 2150 मेगावाट पूरे देश के लिए बिजली दे रहा है, लेकिन उसी पंचायत के अंदर एक जो है गाड़ा पार्ली पंचायत है जहाँ पे अभी भी बिजली से लोग वंचित है, बिजली नहीं है, और उसके साथ साथ वहाँ रोड की फैसिलिटी नहीं है, है ना। जो इस तरीके से आज ट्राइबल एरिया के अंदर देखेंगे वहाँ संचार सेवाएं ठप है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, सड़क सेवाएं ठप है। कोई जो पिछले जो माननीय हमारे रामस्वरूप जी जो सांसद रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि भाई जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं जो है जोगिंदर नगर से रेल मंडी तक लाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था कि 4 लेन का 4 गुना मुआवजा दूंगा, दिलाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो जलोड़ी से जलोड़ी वाली जो टनल है, सुरंग है, आनी और जो बंजार को जोड़ती है, और जो वो क्या नाम जोगिंदर नगर और लग वैली कुल्लू को जोड़ती है, उनको निकालेंगे, केंद्र से पैसा लाएंगे। लेकिन कहाँ है वो, कहाँ है उनका बजट, कहाँ है वो केंद्र का पैसा, कहाँ है वो स्कीमें जो जो इसके लिए लानी थी, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जो है जनता उनसे बहुत दुखी है, और इतना ही नहीं लोगों के बीच में वो कभी गए भी नहीं दुख सुख पूछने के लिए कि लोग किस हालात में है। आज पूरे तमाम जो कुल्लू के अंदर, लाहौल के अंदर, पांगी भरमौर के अंदर और किन्नौर के अंदर आज भी लोग जो है जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए तरस रहे हैं। और उसके साथ साथ आप कुल्लू में तो एक किन्नौर जिला के अंदर एक कुल्लू ऐसी जगह है जहाँ पे अभी लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं, 3000 प्रति घंटा जो है वो पानी खरीद रहे हैं। ये इस देश का है 71 साल की आजादी के बाद भी अभी हम स्कूल शिक्षा जो और स्वास्थ्य है और जो पानी है उसके उसके लिए अभी तरस रहे हैं। वो जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही है, सड़क पूरी नहीं हो रही, बेरोजगारी इतनी है। लगभग मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 5 लाख के करीब बेरोजगार लोग हैं। कहाँ वो खपत करेंगे, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। आपको 4 लेन में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और आपके जो हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पे आप रोजगार देंगे। स्कूल के अंदर 20,000 से लेकर 22,000 तक टीचरों की पोस्टें खाली है, तो रोजगार कहाँ पैदा हो रहे हैं। नौजवानों के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है, उनके भविष्य को जो है धूमिल किया जा रहा है,
और उस यही हमारे मुद्दे सारे रहेंगे और इसके लिए हम फाइट करेंगे अपने हक के लिए। हिमाचल प्रदेश की चाहे रॉयल्टी है, चाहे रेलवे विस्तार है, चाहे टनल की बात है, चाहे फोर लेन की बात है, चाहे यहाँ पर्यटन की बात है, चाहे कोई और भी कोई बात है, उसको हम जीतेंगे तो जनता की उम्मीद पे खरे उतरेंगे। अभी मैं जिला परिषद जीता हूँ लेकिन जनता के लिए मैं डट के काम कर रहा हूँ। हाँ, आपका आंदोलन चाहे दूध का आंदोलन हो, चाहे पौधे कटने का आंदोलन हो, चाहे आपका मनरेगा का आंदोलन हो, हर आंदोलन के साथ मैं खड़ा हूँ और पिछले कई सालों से लड़ रहा हूँ। यही मेरी जनता से भी अपील है कि जो जिस मुद्दों के साथ हम लड़ रहे हैं आपके लिए, आप एक बारी मौका दें ताकि आपको ये पता चल जाए कि एमपी का मतलब क्या होता है। अभी तक लोगों को एमपी का मतलब का पता नहीं है, ना पे वहां पे एड जा रही एमपी के खाते से, ना एमपी की शक्ल देख रहे हैं, सिर्फ चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, वादे कर देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे, उसके तहत जो है ये चुनकर जा रहे हैं।